दोस्तों, जो आज का डॉज कॉइन का प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेट 43। एंड मैं आपको इस वीडियो में मैं एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या पीसी से माइनिंग कर सकते हो एंड उन डॉज कॉइन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। डेली आप 5 से 10 डॉज कॉइन इसमें से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फर्स्टली आपको करना क्या है, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है। वहां पे जाके आप सर्च करो अनमाइनेबल वेबसाइट देख रहे हो आप, आपको इस पे डायरेक्टली डाउनलोड पे जाओ। डायरेक्टली डाउनलोड पे जाने के बाद इस चीज पे ध्यान देना, आपको नीचे ये वाली फाइल डाउनलोड कर ली है ना कि ये वाली, आपको ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है। एंड ये भी आपको तब डाउनलोड करनी है अगर आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो आपको आपके लैपटॉप का जीपीयू है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, उसके बाद ही माइनिंग प्रॉपरली होगी, नहीं तो माइनिंग अच्छे से नहीं होती। आप अगर क्रिप्टो माइनिंग के बारे में कुछ जानते हो अगर, तो आपको पता होगा कि जीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो माइनिंग के लिए, बिकॉज सीपीयू से अगर हम माइनिंग करते हैं तो बहुत स्लो होती है एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं। एंड अगर आपका लैपटॉप अच्छा है तो आप तभी इसको डाउनलोड करना। एंड बिकॉज मेरा लैपटॉप इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता, विद रिजल्ट्स दिखाता ये सारा, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसका यूज़ करो एंड उससे बेनिफिट लो, आप माइनिंग कर सकते हो उससे इजीली। तो आपको यहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है, उसके बाद फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको डायरेक्टली वो पूछेगा कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग करना चाहते हो, तो आपको उसमें डॉज कॉइन सेलेक्ट करके नीचे आपको डॉज कॉइन एड्रेस डालना है। डॉज कॉइन एड्रेस आप कहाँ से डाल सकते हो, dogecoin.com पे जाना होगा आपको, dogecoin.com पे जाके ऊपर वॉलेट पे क्लिक करो, आप नीचे आ जाते हो। तो उसके बाद आपको ये वाला नहीं डाउनलोड करना, आपको ये वाला डाउनलोड करना है, दिस वन। एंड ये क्यों करना है, उसका ये रीज़न है, बिकॉज ये वाला माइनिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता, जो ये वाला है ये माइनिंग के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एंड आपको इसी को डाउनलोड करना है, उसके बाद आप 32 बिट इसको डाउनलोड कर सकते हो, इजीली डाउनलोड हो जाता है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इससे वॉलेट एड्रेस कॉपी करके, बहुत सिंपल है, सामने वॉलेट एड्रेस होता है, इसको कॉपी करके आपको अपने अनमाइनेबल वाले सॉफ्टवेयर में जाके उसको पेस्ट कर देना है। एंड अब बात आ गई कि आपको आपके जो डॉज कॉइन्स है वो माइनिंग होने लग गई, सब कुछ होने लग गया, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर और एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे। सेल डॉज कॉइन्स लिखते हैं यहाँ पे, डॉज कॉइन, सो इस वेबसाइट पे मतलब एनी कॉइन डायरेक्ट पे आप आ सकते हो। एंड ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इस पे सिंपली अपना वॉलेट एड्रेस डाल के आप इस पे अपने डॉज कॉइन्स को सेल कर सकते हो, बहुत इजी प्रोसीजर है। एंड इसके बाद बात आती है कि अगर आप डॉज कॉइन को माइनिंग कर रहे हो तो उसका आपका पर्पस होना चाहिए कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलो, ना कि आप इसको माइन करके सेल कर दो। आप अगर माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग तभी करो अपना, अगर माइनिंग कर कैसे रहे हो, आप अपनी पावर दे रहे हो, अपने सीपीयू को पावर दे रहे हो, वो माइनिंग कर रहा है। माइनिंग का मेन प्रोसीजर यही है, वो पावर यूज कर रहा है, उसके बाद वो माइनिंग कर रहा है। एंड अगर आप अपना टाइम दे रहे हो एंड अपने सीपीयू जीपीयू की इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, तो आप उसको, आई बिलीव कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। जो माइनिंग से आपको डॉज कॉइन्स मिल रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो, कुछ नहीं पता डॉज कॉइन का कितना प्राइस हो जाएगा कल को, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो एंड इसको सेल मत करना। एंड ये था सारा सिंपल प्रोसीजर कि आप डॉज कॉइन्स को कैसे माइन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। एक और बात कि आप अगर आपके जीपीयू का टेम्परेचर अगर 70 से ऊपर जाता है तो तभी आप माइनिंग रोक दो, एंड अगर 70 से नीचे है तो करते रहो, अगर 70 से ऊपर जाता है तो आप जीपीयू से स्टॉप करके आप माइनिंग थोड़े टाइम के लिए सीपीयू से कंटिन्यू कर लो। एंड जब आपको लगे कि जीपीयू ठंडा हो चुका होगा तो आप उसको दोबारा जीपीयू पे कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज जीपीयू पे माइनिंग का रेट अच्छा होता है एंड सीपीयू पे माइनिंग बहुत स्लो रेट पे होती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। सो यार, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला एंड मेरी वीडियो को देखा। आई होप आपको इस वीडियो में से बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी एंड बहुत अच्छा आइडिया मिला होगा कि आप माइनिंग कैसे कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड मेक श्योर कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।